हाय हेलो फ्रेंड, मैं नवीन जेपी पटेल। आप सभी का मेरे यूट्यूब के चैनल पावर ऑफ केमिस्ट्री में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पर। ये टॉपिक मैंने लिया है, एक यात्रा है असंभव से संभव तक की, किसी भी कार्य को करना आसान बना देगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत तक में आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम किसी भी छोटे या बड़े कार्य को संभव कर सकते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मेरे साथ जुड़ जाइए एकदम एनर्जी के साथ, पावर के साथ। आज इस वीडियो में बात करने से पहले मैं आपको एक पोस्टर प्रेजेंट करता हूँ। तो इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने क्या आपको बताया है, इसमें से क्या सीख मिलती है। तो सीख यही मिलती है कि एक कलाकार अपनी कला का स्टार्ट ड्रामा से करता है। कहाँ से करता है? ड्रामा से। ड्रामा से होते हुए वो सीरियल में आता है, और सीरियल में होते हुए वो फिल्म स्टार बनता है। जब फिल्म स्टार बनता है तो सब जगह पे सब देखते हैं, वाह ये बढ़िया फिल्म स्टार है, वाह ये बढ़िया फिल्म स्टार है। मगर ये बना कैसे? तो उसकी जो कहानी हम शुरू करें तो ड्रामा से शुरू होके सीरियल, सीरियल से शुरू होके फिल्म तक की है। इस वीडियो में वही बात बताता हूँ, कोई कार्य असंभव नहीं है, सभी कार्य संभव हो सकते हैं, मगर आपको स्टार्टिंग करिए छोटे कार्य से बड़े कार्य तक की। तो आपका सफर ऐसा होना चाहिए, आप डायरेक्ट जाके एक बात को समझ लो, आप डायरेक्ट जाके समुंदर में कूद गए, आपको तैरना नहीं आता, समुंदर में कूद गए तो डूबना निश्चित है। तो आपको क्या करना है, पहले छोटे लेवल पर तैरना सीखना है, फिर बड़े लेवल में जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप 100% आगे बढ़ सकते हो। चाणक्य नीति में आपने देखा है कि चंद्रगुप्त बहुत ही शक्तिशाली था, चाणक्य के दिमाग में बहुत ही तेज था, तो फिर भी हार का मुकाबला करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ही गलती कर दी, डायरेक्ट जाके धनानंद पर अटैक कर दिया, डायरेक्ट जाके बड़े गोल पर अटैक कर दिया। उनको क्या करना था, छोटे छोटे प्रदेशों को अपने वश में करना था, और छोटे छोटे छोटा छोटा राज्य जो थे उन पर जीत हासिल करनी थी, और फिर बड़े राज्य पर जाना था, मगर उन्होंने नहीं किया, इसलिए वो हार गए। और अगली बार उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर आगे जब बढ़े तब उनकी जीत हुई। तो आपको भी ऐसा करना है, आप अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना है, पहले छोटे छोटे टेस्टों में जो आपके टेस्ट अरेंजमेंट होते हैं, वो 20 मार्क्स का जो टेस्ट होता है तो 20 में से 20 लाओ, फिर 50 में से 50 लाओ, तो 100 में से 100 आ ही जाएंगे। आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको क्या करना है, धीरूभाई अंबानी छोटे छोटे लेवल पे आगे बढ़े थे, पहले उन्होंने छोटे छोटे लेवल पार किए तब जाके उनका इतना बड़ा बिजनेस साम्राज्य हुआ। तो आपको भी कुछ भी काम जो करना है तो डायरेक्ट बड़ा नहीं करना है, डायरेक्ट बड़ा करने में सक्सेस मिल सकता है, मगर शायद अगर आप डायरेक्ट बड़ा करने जाते हो तो आप सक्सेस हो सकते हो, मगर उसका रेटियो जो हम निकालें तो 90% और 10% का है, 90% और 10% आपको सक्सेस मिलने का चांसेस है, मगर 90% फेल होने का चांसेस है। और मैं आपको जो वे दिखाता हूँ कि छोटे छोटे कार्य से आगे बढ़ना है, तो उस वे में आपको सक्सेस होने के चांसेस 100% है। और यहाँ परसेंटेज कितना होता है, 0.0% होता है, इसका रेटियो निकाले तो 100:0 है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं, 100% है। तो बस इस वीडियो में मैं वही बात करने जा रहा हूँ कि असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान है। जब तक कोई कार्य नहीं किया होता तब तक वो हमें असंभव लगता है। चांद पर जाना पहले असंभव था, अब क्या हो गया, संभव हो गया, क्योंकि पहले किसी ने किया ही नहीं था। जब तक कोई कार्य नहीं होता तब तक ही असंभव होता है, उसके बाद जब कोई लोग कार्य करना शुरू कर देते हैं तब हमें लगता है कि ले ये तो आसान था। 4G नेटवर्क जब तक नहीं आया था तब तक लोग 2G चला रहे थे, सबको लगता था ये तो असंभव है, 4G तो आ ही नहीं सकता, इतनी स्पीड तो हो ही नहीं सकती, मगर अभी संभव लगता है।
अब भी तो आपको यही लगता होगा कि आज 4G का जमाना है, कल 6G होगा, 7G होगा, 10G तक आ सकता है, अब संभव लगता है। तो आसान है, सब कुछ हो सकता है, मगर पहले आपको क्या करना है, छोटे छोटे लेवल से आगे बढ़ना पड़ेगा, ना कि बड़े लेवल पर डायरेक्ट कैचअप करो। अगर जो बड़े लेवल पर आपने डायरेक्ट गए तो समझ लीजिए आप भी चंद्रगुप्त और चाणक्य की तरह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा। अगर जीवन में कभी भी हार का मुंह नहीं देखना है तो छोटे छोटे लेवल से आगे बढ़ना सीखो। यही सीख मैं आपको देता हूँ इस वीडियो में। ओके, आगे के वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक तो बनता है मेरे यार, लाइक तो बनता है। तो इस वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे तो मेरा इंस्पिरेशन बढ़ेगा, मैं अंदर से स्ट्रांग होऊंगा और आगे आगे का जोरदार वीडियो लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा।